Once again, Ya Limited everyone, सबसे पहले on behalf of the Aga Khan Economic Planning Board for India, I would like to wish each and every one of you a Imamat Day Mubarak. I welcome you all to the Maro Vyapar Mari Pragati Team Leader Session 2. I hope आप सबको चांस मिला होगा अपने टीम members से contact कर उनसे बात करने का. Also, I hope कि आप सबको first team leader session interactive, interesting और फायदेमंद लगा है. I would like to hand over to Aslam sir to take this session forward, जो हमारी community के जाने माने business consultant है और EPB के साथ काफी सालों से जुड़े हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं. Aslam sir, over to you. Thanks, Muskan. Ya Limited to everyone. Once again, on my behalf also, Imamat Day Mubarak to each one of us, including me, myself. First session जो हमने किया था, that was more of about कि ये जो opportunity हमें मिली है कि हम अपनी जमात के कुछ व्यापारियों के business में उनकी life पे difference ला सके, उनकी income को बढ़ा सके, and जो overall mandate है National Council का, and that is to improve the overall quality of life of जमात, तो एटलीस्ट कुछ फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. एंड उस सेशन में मैंने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि हम जब इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं तो शायद हम देते कम है और लेते ज्यादा है, यानी हमारे लेने की नीयत हो या ना हो लेकिन हमें मिलता बहुत ज्यादा है. बहुत सारे वाइजेज में और जमात खाने में जो गिनान सुनते तो उसमें आते ना कि सामी ने आलो एक बार तो सामी आले सुसो वार. Probably that has been a reality in my life. हमने institution के जरिए जमात के लिए जो भी कुछ थोड़ा बहुत अपनी capacity में राय बराबर कुछ काम किया होगा, लेकिन उसका अनेक गुना फायदा हमें हमारी personal professional life में हुआ है. So yes, हम सब के पास ये बहुत ही अच्छी opportunity आई है और हमें इनको इसको encash करना है. ये पिछले session के हमारे discussion का major आधार था और उसके अंदर probably towards the end of the session मैंने आपसे कहा था कि आप जब अपने पार्टिसिपेंट को अप्रोच करोगे तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा. सो आज मैं आपके साथ इसी एजेंडा पे बात करने वाला हूं कि जब आपको जो भी कुछ 8, 10, 12 पार्टिसिपेंट्स एलोकेट किए गए हैं, जब इन पार्टिसिपेंट्स को आप मिलो तो आप क्या करोगे, आप कहाँ से अपना काम शुरू करोगे, आपकी प्रोसेस क्या रहेगी. So, आज मैं उसके ऊपर आपके साथ ज्यादा डिस्कस करने वाला हूँ. बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, मेरे दिमाग में कुछ सवाल है जो मुझे आपसे पूछने हैं. प्लीज आप चैट के जरिए मुझे रिप्लाई करते रहना. आई जस्ट वॉन्टेड फ्यू रिस्पॉन्सेस. जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे माइंड में वो है कि क्या आप सभी टीम लीडर्स को अपने अपने पार्टिसिपेंट का लिस्ट मिल गया है? इफ येस तो सिर्फ येस या फिर थम अप. Great. So Rehana says yes. Rumin, Sadiq, Firoz, Shamim, Gulzar, Nurdin, Manish. So everybody, I think most probably Naushad, Nathani, most probably, yani sabhi ko apne apne team ka participant list mil gaya hai. So that's a wonderful thing. So step one has been done. Now the next question that comes to my mind is, आपने अपने सारे participants के साथ personally एक बार call करके बात की है? Okay, so Madad Jiwani needs the list. Okay, 50%, Rafiq says 50%. Rest of the people says no. Okay, Sadiq has not got the list. Shamim Gilani needs the list. Dilshad needs the list. Amir Virani is one person who says that he has spoken to all of them. So yes, Ahmed Daudani says yes. Suhil Charania says yes. Communicated with them on WhatsApp. Azaz says okay. Siraj says not yet. Humble request is कि अगर आपको आपका participant list नहीं मिला है तो सामने से proactively मांग लेना. That is one. Number two, अगर आपको list मिला है और अभी तक आपकी उनसे एक भी बार बातचीत नहीं हुई है तो आज बहुत अच्छा मौका है, इमामत डे है. Please call them. उनको इमामत डे विश भी करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और उनसे एक प्राइमरी इंटरेक्शन कर लो ताकि उन्हें पता चले कि आप उनके टीम लीडर हो. और एमवीएमपी प्रोग्राम के दौरान अगर कोई एक पर्सन है जिसकी तरफ वो पूरे मॉड्यूल के दौरान अपने किसी भी क्वेरीज के लिए या
उनकी कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड इंक्वायरीज या सपोर्ट के लिए वो एक पर्सन जिस पे वो रिलाय कर सकते हैं वो आप हो. ये पार्टिसिपेंट्स को कन्वे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक टुडे इज इमामत डे, आप विश भी कर लो एंड इट्स प्राइमरी कम्युनिकेशन जो आपको अपने पार्टिसिपेंट से करना है. क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है आपके पार्टिसिपेंट से, तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे पता है पहले से. वो ये है कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें से कितने लोगों का अभी तक, दो सेशन हुए हैं एमबीएमपी के, अभी तक दोनों में से दोनों सेशन कितने लोगों ने मिस किया है और कितने लोगों ने एक सेशन मिस किया है, इसकी डिटेल्स मैं आपको पूछने वाला था कि आपके पास है कि नहीं. बट आई एम श्योर अभी आपके जो रिस्पॉन्सेस मैंने देखे कि आपकी भी बातचीत हुई नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये स्टेटस रिपोर्ट आपके पास नहीं होगा. तो अगेन जब आप उनको पहला कॉल करो या आज आप उनको इमामत डे विश करो या उनसे बात करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो उनसे प्लीज ये पूछना कि आपने दोनों सेशन अटेंड किए या नहीं. अगर एक किया है तो कौन सा किया, कौन सा मिस किया है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि इस्माइली इंडिया के चैनल पे ये वीडियोस सेशन एमबीएमपी सेशन के वीडियोस आप पोस्ट हो चुके हैं. अगर उनका कोई सेशन मिस हुआ है तो वो लोग वहां जाकर ये मिस किए हुए सेशंस को देख सकते हैं ताकि उनकी कोई भी लर्निंग छूट न जाए. और जो मैक्सिमम एडवांटेज इस प्रोग्राम से उनको मिलना चाहिए उससे वो वंचित न रह जाए. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो इस चीज को लेके, वो है पार्टिसिपेंट को छोड़ो, क्या आपने खुद दोनों सेशन अटेंड किए हैं? ग्रेट. सो रिजवाना, फिरोज, सलमा, फिरोज भाई, Amir Lalani, Romin Pupade. Acha, Romin says that no, first session details were sent very late. That's okay, Romin. Sessions available hai online, Ismaili India channel pe. So I'm sure agar aapne miss kiya hai, to aap usko dekh sakte ho. Ye main aapko isliye pooch raha hu ki jo role aapko diya gaya hai na as a team lead, aap log hi wo resource ho, wo zariya ho, jiske zariye participant ko maximum benefit hone wala hai. पार्टिसिपेंट को कोई सेशन समझ में नहीं आया तो आपसे पूछेंगे. लेकिन अगर आपने खुद ने कोई सेशन मिस कर दिया है या आपने उसका बाद में वीडियो रिफर नहीं किया है या आपकी खुद की कोई लर्निंग मिस हो गई है तो आप उनको हेल्प नहीं कर पाओगे. सो एक जो एक रूल ऑफ द गेम बोलते हैं, तो एक फंडामेंटल रूल आपके लिए ये होगा कि आप कोशिश करो कि आपका कोई सेशन कभी मिस ना हो. और अगर रेयर केस में आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो प्लीज आप उसको स्माइल इंडिया चैनल पे जाकर, जहां पर भी वो लिंक अवेलेबल, अगर आप वहां से एक्सेस नहीं कर पाओ तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करो ताकि आपके साथ वो लिंक शेयर की जाएगी. बट आपका खुद का एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैविंग सेड दिस, आई एम श्योर यानी अब आप समझ गए हो कि आपको पार्टिसिपेंट को कॉल करना है. दूसरा, आपको आपके जो सेशन खुद के मिस हुए पहले वो आपको वो देखने हैं. एंड थर्ड, आपके पार्टिसिपेंट से कंफर्म करो कि उन्होंने सेशन अटेंड किया है कि नहीं किया है. नहीं किया है तो उनको लिंक भेजो और उनको बोलो कि इस लिंक से आप सेशन देख सकते हो, आप इस सेशन को कंप्लीटली देख लो ताकि आप अपनी लर्निंग को डिराइव कर सको. ये तीन स्टेप आपको इमीडिएटली लेने हैं आज या कल में. प्लीज आप इसका ध्यान रखना क्योंकि आपको अब अपने पार्टिसिपेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट करना है. आफ्टर टूडेज सेशन आपको इफेक्टिवली एंगेज होना है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ. आज के सेशन के लिए हम वेट कर रहे थे. ऑफ कोर्स रीजन इज कि प्रोसेस एक बार क्लियर हो जाए और सबके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क हो तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्राइमरी इंटरेक्शन इज, अगर आपने दोनों सेशंस अटेंड किए हैं तो इन दो सेशन से आपकी खुद की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या रही है? क्लियर फोकस गोल इज मस्ट. वी विल गेट रिकॉर्डिंग. ओके फाइन, गोल्स यस यू विल गेट करीम भाई, डेफिनेटली ये सेशंस की भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी. गोल सेटिंग, डेवलपिंग द विजन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंड योर माइंडसेट. मदद भाई सेज न्यू बिजनेस इन सर्विस सेक्टर. ओके ग्रेट. अहमद भाई सेज प्लानिंग एंड विजन, सेट टारगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म. गुलजार विरानी सेज ओके ग्रेट, माइंडसेट इन प्लानिंग. करीम भाई, सो आई थिंक यस, फर्स्ट सेशन में सोहिल ने ज्यादा बात की थी वॉज अबाउट माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर की सोच दूसरों से बहुत अलग होती है. मैं हमेशा एंटरप्रेन्योर को, हम सबको बिजनेसमैन बोलते हैं पर मेरी नज़र में सभी लोग बिजनेसमैन नहीं है. ज्यादातर लोग ट्रेडर है, बिजनेसमैन बहुत कम है क्योंकि बिजनेसमैन की सोच ही बहुत अलग होती है. एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, कॉन्स्टेंटली कुछ नया करते रहना, नए डेवलपमेंट करना,
कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना, बिजनेस में किसी एक स्टेज पे रुक न जाना, कंटिन्यूस प्रोग्रेस के बारे में सोचना, R&D करते रहना, मार्केट एक्सपोजर लेते रहना, नई लर्निंग लेते रहना, बिजनेस में नई नई चीजें ट्राई करते रहना, कस्टमर को कंटिन्यूसली स्टडी करना, अपने बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करते रहना, दैट इज एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। और ट्रेडर का क्या होता है कि एक बिजनेस अच्छा सेट हो गया है, माल यहाँ से खरीदो यहाँ से बेचो, सेट टर्नओवर है, एक मार्जिन स्ट्रक्चर फिक्स है, बस वही बिजनेस एक ही स्टाइल में वर्षों तक करते रहो, दैट इज ट्रेडर माइंडसेट। सो मेरे लिए एंटरप्रेन्योर के चार स्टेज है, आई एम श्योर सोहिल ने भी शेयर किए होंगे, ट्रेडर, मैनेजर, लीडर एंड लीपर। ऑफकोर्स मैं क्योंकि सेशन लेने नहीं बैठा हूँ तो मैं वो आप सोहिल से कभी इसके बारे में पूछना, और नहीं तो हमारे फ्यूचर सेशन में हम इस पर बात करेंगे। सो हमारी जमात में मेजोरिटी आपको ट्रेडर माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे कि जिनका एक शॉप है, वर्षों से एक ही शॉप में बैठे हैं और वो जैसे चल रहा है उसको चला रहे हैं, और शायद अपने ही शॉप में वो मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। सो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में सोहिल ने फर्स्ट सेशन में काफी अच्छे से बात की थी, एंड सेकेंड सेशन में आई एम श्योर ही डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। अगर आपको पिछला सेशन याद है मेरा, तो मैंने कहा था बिजनेस विदाउट अ गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल। जैसे एक शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर अपनी जगह खुद हिल नहीं सकता, उसको चार लोग चाहिए कंधे पे उठाने के लिए, वैसे ही जिस बिजनेस में बिजनेसमैन ने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया है, कोई टारगेट सेट नहीं किया, या उनके पास कोई विजन नहीं है, उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेसमैन उसको जबरदस्ती घसीट 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 के चला रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मर गई है, उसका टर्नओवर स्टैग्नेंट हो गया है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन बस क्योंकि रोज सुबह उठ के शॉप पे जाके या ऑफिस पे जाके या फैक्ट्री पे जाके बैठने की आदत पड़ गई है, ये एक्टिव तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। ऐसे बिजनेसेस ज्यादा लंबे टिकते नहीं है, या प्रॉस्पेरिटी जो हम लाना चाहते हैं या जमात की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो विदाउट गोल्स मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से या मेरे ओपिनियन के हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल। आपने दो सेशन में कहा कि एक सेशन में माइंडसेट के बारे में हमें पता चला एंड दूसरे में गोल्स के बारे में, ये दोनों ही चीजें किसी भी प्रोफेशनल के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही मायने रखता है। सो आई एम श्योर वैसे ही आगे हर सेशन में कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। जिन लोगों ने सेशन मिस किया है प्लीज आप ब्राउज कर लेना, क्योंकि पार्टिसिपेंट से जब आप मिलोगे तब आपको उनसे इंटरैक्ट करना है, उनको पूछना है कि उन्होंने उन सेशन से क्या सीखा, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही, उनकी क्या सोच है, वो इस सेशन के कंटेंट को कैसे परसीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने भी कंटेंट देखा और उसने भी देखा है तो आपके पास कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दिस लेट्स मूव ऑन, और अब मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप पार्टिसिपेंट से मिलो तो आपकी प्रोसेस क्या होगी, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। फाइन, सो आप जब पार्टिसिपेंट से मिलोगे तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। नंबर वन, ये लास्ट टाइम बात हो गई आप लोगों के साथ कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने हैं, आई एम श्योर अब तक वो हो चुके हैं। अगर कोई अभी भी जो तीन व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर उसमें से किसी भी ग्रुप में आपने अभी तक आपका ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है या आप तो उसके अंदर आप ज्वाइन नहीं हुए हो, तो प्लीज सबसे पहले बेसिक ये कर लो, क्योंकि आपके बीच में, EPB के बीच में, स्पीकर्स के बीच में एंड टीम लीड्स और मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसलिए आपका इन ग्रुप्स में होना और एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप पार्टिसिपेंट से जाकर मिलो, सो जैसे ही आपको पार्टिसिपेंट का लिस्ट मिला, आपने कॉल किया, अब आपको कल से जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे आपको सबसे पहले इन पार्टिसिपेंट्स को मिलना है जाके पर्सनली, या फिर वीडियो कॉल के जरिए आप उनसे बात कर सकते हो, बट 1-to-1 हर पार्टिसिपेंट के साथ आपको 30-45 मिनट्स स्पेंड करनी है हर पार्टिसिपेंट के साथ। यहां से आपका एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के साथ एज अ टीम लीड। जब आप ये वीडियो कॉल करोगे या आप पर्सनल विजिट जब करोगे, तब आपको एक फॉर्म भरना है, ये फॉर्म मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करूंगा एंड वी विल हैव अ लाइव फॉर्म फिलिंग प्रैक्टिस, हम करेंगे एक्टिविटी। आपको सबसे पहले इस वीक में अपने पार्टिसिपेंट से, एक एक पर्सन से 30-45 मिनट्स का टाइम उनके लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक ही टाउन में हो तो इट इज बेटर कि आप उनको पर्सनली विजिट करो एंड उनके बिजनेस प्रिमाइस पे जाकर ये फॉर्म भरो। अगर आपको कोई ऐसा पार्टिसिपेंट दिया गया है जो आउट स्टेशन से है और डिस्टेंस ज्यादा है और आप उसको नहीं मिल सकते, तो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ 30-45 मिनट्स का टाइम
स्पेंड करोगे उनके साथ वीडियो कॉल के जरिए. पहले यू हैव टू सेट अप अ मीटिंग एंड देन यू हैव टू उनको पहले से इन्फॉर्म कर देना कि ये वीडियो कॉल आपका 45 मिनट्स चलेगा एंड उतना टाइम उन्होंने पीसफुली आपके साथ स्पेंड करना है. अब वो जो फॉर्म भरना है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करूंगा. नेक्स्ट, आप उनको मिले, आपने फॉर्म भरा, उस फॉर्म को भरने के बाद उस फॉर्म को एनालाइज करना है. इस वीक में आप आफ्टर दिस सेशन जाकर फॉर्म भरोगे एंड फॉर्म को कैसे एनालाइज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. वैसे आज कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा कि फॉर्म जब आप भरोगे, हम एक लाइव फॉर्म भरने वाले ऐसे सैंपल, सो यू विल गेट एन आइडिया. फॉर्म भरने के बाद आपको आपके इंडिविजुअल हर एक पार्टिसिपेंट की बिजनेस के बारे में एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. ये फॉर्म आपको उसमें हेल्प करेगा. आपने पार्टिसिपेंट की विजिट की, उसका बिजनेस का फॉर्म भरा और उसमें जो डिटेल्स पार्टिसिपेंट ने आपके साथ शेयर की उससे आपका एक आइडिया आपको आ जाएगा कि आपको जो भी पार्टिसिपेंट दिए गए हैं उनका बिजनेस क्या है, उनकी क्या पोजीशन है, उनका बिजनेस किस स्टेज में है, उनकी कोर स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है. ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अगले हफ्ते 10 दिन में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट 8 to 10 डेज में या मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आपको सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट करना है. विजिट द पार्टिसिपेंट, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड फिर उस फॉर्म के बेस पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपने पार्टिसिपेंट के फॉर्म को भरा और उसको रीड किया लेकिन आप समझ नहीं पाए उसके बिजनेस को या उसके बिजनेस के कोर प्रॉब्लम्स को कि क्यों ये जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट है उसके बिजनेस में 3 साल से सेल्स ग्रोथ नहीं है या उसका बिजनेस स्टेग्नेंट है या बिजनेस वो जिस इंडस्ट्री में है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा होते हुए भी आपका पार्टिसिपेंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, उसकी इनकम क्यों कम है, और आप उसके बारे में अगर प्रॉपर क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाए या आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो आप वो पर्टिकुलर केस हमारे साथ यानी मेरे साथ या एपीबी के पैनल के किसी भी मेंबर के साथ आप वो केस डिस्कस कर सकते हो. एटलीस्ट आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हो. नाउ जरूरी नहीं है कि हम वो डिस्कशन सेशन में ही करें. जो कॉमन इश्यूज होंगे उसका डिस्कशन हम सेशन में करेंगे और जो बहुत ही रेयर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है उसको हम 1-to-1 एड्रेस करें. सो वंस आपने फॉर्म भर लिया, आपने पार्टिसिपेंट के बिजनेस को समझ लिया, अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप हमसे लोगे, लेकिन एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में. उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ एक्शन प्लान कि इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के साथ अगर आपके 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 10 पार्टिसिपेंट के लिए आपको एक फेयर आइडिया डेवलप करना है कि इसके बिजनेस में इसकी इनकम बढ़ाने के लिए कहाँ पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, इसको मार्केटिंग सपोर्ट देने की जरूरत है या इसको सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे इनकरेज करना है या इसको अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए इनकरेज करना है. आप एक डिसेंट आइडिया डेवलप कर लोगे उस पार्टिसिपेंट के बारे में एंड फिर आप एक अपना खुद का पर्सनल एक्शन प्लान बनाओगे कि इस पार्टिसिपेंट को मैं एवरी वीक इससे बात करूंगा और इसको ये 2 स्टेप लेने के लिए कंटिन्यूसली एनकरेज करूंगा और ये 2 स्टेप अगर वो ले लेता है तो फिर उसमें उसको सही रिजल्ट मिले इसलिए मैं उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करूंगा. एंड उस प्रोसेस में हो सकता है कि मुझे उसको कुछ लिंकेजेस भी करवाने पड़े, किसी और से मिलवाना पड़े या किसी रिसोर्सफुल आदमी से उसके कनेक्शन बिल्ड करने पड़े. तो एक रोडमैप जैसा आप बना लोगे पार्टिसिपेंट के लिए. ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है. ये पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, ये स्टेप शेयर करूंगा, ये वीडियो भी आप ले सकते हो, ईपीबी से आपको मिलेगा. जहां पे भी आपको एज ए टीम लीडर अपने रोल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो आप इस सेशन को या इस पीपीटी को रेफर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रोसेस आपने फॉलो की कि आपने फॉर्म भरा, एनालाइज किया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और रोड मैप डेवलप किया पार्टिसिपेंट को उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसकी इनकम बढ़ाने के लिए. सी, खुद की इनकम बढ़ाना वो पार्टिसिपेंट की उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है. लेकिन क्योंकि हमें चिंता है उसकी, उसके फैमिली की, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, इसलिए हम उसको एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं. हम उसको एनकरेज करेंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे और हम उसको सही स्टेप लेने के लिए टाइम टू टाइम पुश करेंगे. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. अगर वो अपने घर में दुखी है तो कहीं ना कहीं हमको उसकी चिंता है एंड वी हैव टू इंश्योर कि वो पर्टिकुलर फैमिली आगे बढ़े, उनके बच्चे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन ले एंड इनका फ्यूचर आज है उससे बेटर हो. इसलिए हम ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. आप में से किसी को लगेगा कि यार ये इज दिस नॉट ओवरवेलमिंग,
बट नहीं आई थिंक दिस इज बेसिक. अगर आपको पार्टिसिपेंट दिया गया और सवा साल ऑलमोस्ट 15 मंथ्स आपको उसके साथ काम करना है, तो उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए बिना या एक कॉन्क्रीट रोडमैप के बिना आप उससे मिलोगे तो जनरल बातें होगी, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं होगा. कॉन्क्रीट डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट करना, उसके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और अपने अंदर अपने दिमाग में या ऑन पेपर उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के लिए एक प्रॉपर रोड मैप डेवलप करना, ये इज अ गुड बिगिनिंग. इससे एक अच्छी शुरुआत मिलेगी आपको, पार्टिसिपेंट के साथ आपका रेपो बहुत अच्छा बिल्ड होगा. ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां तक जितने स्टेप्स मैंने आपको कहे, प्रिपेयर योर एक्शन प्लान, ये वन टाइम एक्टिविटी है. आप असेसमेंट फॉर्म बार बार नहीं भरने वाले, ये वन टाइम एक्टिविटी है. उसके लिए रोड मैप बनाना, आपने एक बार बना लिया, आप सिर्फ क्वार्टरली उसको रिव्यू करोगे कि भाई मैंने जो रोड मैप बनाया था इस पार्टिसिपेंट के लिए, उस रोड मैप पे उसकी क्या प्रोग्रेस है, और उसमें कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो वो आप टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिव्यू करके कर सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी हो. नाउ जो आपको रेगुलर करना है एवरी वीक या ऑन गोइंग बेसिस पे अगले 15 महीने तक करना है, वो है ये सेट फिक्स टाइमिंग्स फॉर इंटरेक्शन. ये कंटिन्यूसली जब तक MVMP प्रोग्राम चलेगा या शायद उसके बाद भी, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग बन जाएगी 15 महीने में, तो हो सकता है उसके बाद भी आप उनके टच में रहोगे. अभी ये जो इंटरेक्शन होगा, इसमें आपको एक फिक्स एक घंटा अपने ग्रुप डाल देना है. अपना जो आपके 10 पार्टिसिपेंट है तो उनको ग्रुप में बोल दो कि भाई एवरी डे आफ्टरनून 2 to 3 या मॉर्निंग 9 to 10 कोई भी एक घंटा ऐसा है जिसमें यू कैन कॉल मी. उसके अलावा मेरा अपना भी बिजनेस है, मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज है, मेरे भी अपने कुछ टास्क है, तो उस दौरान प्लीज डोंट कॉल मी. ये रूल्स अच्छे से सेट करना. कोई भी एक घंटा जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो आप पहले से ग्रुप को बता देना कि ये एक घंटे में यू कैन कॉल मी एनी टाइम. लाइक 2 to 3 में आप कभी भी फोन कर सकते हो रोज, उसके लिए आपको मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है. लेकिन इस टाइमिंग के अलावा, लाइक अगर मैंने दोपहर को 2 to 3 का एक फिक्स टाइम दिया है पार्टिसिपेंट को, इसके अलावा अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो उनको क्लियर बताना कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिक्वेस्ट डाल देना कि मुझे आपसे बात करनी है. उसके बाद मैं अपनी टाइम कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको सामने से कॉल करूंगा, लेकिन आप सीधा डायरेक्टली मुझे कॉल नहीं करोगे. प्लीज ये रूल्स सेट करना, वरना अगर आपके बिजनेस के काम में आप खुद डिस्टर्ब होने लगोगे या आपके खुद के बिजनेस में डिस्टर्बेंस आएगा या आप दूसरी प्रायोरिटीज में, आपको अर्जेंट मीटिंग में बैठे और किसी पार्टिसिपेंट का फोन आ गया, तो ये दोनों के लिए डिस्टर्बेंस है. हो सकता है आप अलग तरीके से रिएक्ट करो, या पार्टिसिपेंट को बुरा लग जाए, या आपका खुद का बिजनेस सफर करे, या आपके सामने जो पर्सन बैठा है मीटिंग में वो डिस्टर्ब हो जाए. सो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए रूल्स के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज आई सेड, एक घंटा दिन का फिक्स कर लो कि भाई मुझे पार्टिसिपेंट से 9 to 10 में या दोपहर को 2 to 3 में या 4 to 5 में या 5 to 6 में, आई एम कंफर्टेबल कि पार्टिसिपेंट मुझे एवरी डे कॉल करता है तो भी मुझे चलेगा, लेकिन वो 5 to 6 में ही करना चाहिए, बाकी के टाइम पे नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, अगर कोई पार्टिसिपेंट आपको पर्सनली आकर मिलना चाहे, या पार्टिसिपेंट आकर, या आप वो चाहते हैं कि आप उसके पास जाओ, तो इसके लिए भी आप कोई डे फिक्स कर दो कि भाई मंडेस को मेरे बिजनेस में काम कम रहता है, या मंडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो मेरे हिसाब से मे बी वेडनेसडे या थर्सडे को मेरे को काम कम रहता है. यू आइडेंटिफाई योर ओन स्केड्यूल. सो जो भी एक या दो दिन आप फिक्स रखो. आपको अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो वीक में 2 टाइम स्लॉट आपको उनको देने, चाहे संडे को दो, चाहे किसी वर्किंग, इट डिपेंड्स, सबके नेचर ऑफ बिजनेस. जो रिटेल में है वो फ्राइडे सैटरडे संडे किसी को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि दैट इज अ पीक बिजनेस, दीज आर पीक बिजनेस डेज फॉर देम. कुछ मार्केट्स ऐसे जहाँ पे संडे मार्केट बंद रहता है और यू आर फ्री. सो सबका बिजनेस अलग है, हर टीम लीडर अलग है. सो आपके अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से कुछ रूल सेट करके कुछ टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लो, ताकि ना आप डिस्टर्ब हो और ना पार्टिसिपेंट डिसअपॉइंट हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये बेसिक रूल पहले सेट नहीं किया, ये जर्नी जो है एज अ टीम लीडर, आप इसको एंजॉय नहीं करोगे, ये आपको डिस्टर्बेंस लगेगा, और फिर हो सकता है कि हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है टू सर्व एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट, मे बी यू नो यू विल डिनाई वर्किंग फॉर दिस, या आप उसको आधे में छोड़ दोगे, आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी.
किसी भी वजह से, चाहे आपने छोड़ा या किसी और वजह से, लेकिन अल्टीमेटली दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट ये आपके हाथ से चली जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। बहुत सालों से जमात के साथ काम किया और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप रूल्स सही सेट करते हो तो फिर डिस्टर्बेंस कम रहता है और हम उसको एंजॉय करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वाइस अ वीक जो मैंने कहा पर्सनल मीटिंग इफ दे नीड, इसके साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिसिपेंट आपको मिलने के लिए अप्रोच नहीं करता है जो ट्वाइस अ वीक आपने टाइम दिया है, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी वीक आप दो पार्टिसिपेंट से, चाहे दो अलग अलग दिन पे मिलो या आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं एवरी थर्सडे आफ्टरनून 4 से 7 में या 3 से 6 या 3 से 7 बजे में मैं दो पार्टिसिपेंट के यहाँ जाऊंगा या पार्टिसिपेंट मेरे पास आ सकता है, लेकिन पर्सनली आपको दो पार्टिसिपेंट को वीक में मिलना है। अगर आपके 10 पार्टिसिपेंट है तो 5 वीक की साइकिल के बाद 6th वीक में फिर से एक पार्टिसिपेंट का नंबर आएगा, तो इससे आपको हर पार्टिसिपेंट को एवरी 6th वीक में आप उसको पर्सनली मिल पाओगे। इससे आपका रैपो, आपका टच अच्छे से मेंटेन होगा, आप उसकी प्रोग्रेस को हर 1.5 महीने पे जाके पर्सनली मॉनिटर कर पाओगे, चेक कर पाओगे और करेक्शन करवा पाओगे। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट है जो आपको कॉल भी नहीं कर रहा है, मिलने भी नहीं आता है, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स को आपको खास मॉनिटर करना है, अपनी तरफ से उनको कॉल करो। अगर वो आपको कॉल नहीं करते, अगर वो मिलने नहीं आते, दैट्स ओके, बट आप उनको सामने से कॉल करो, लेकिन मेक श्योर कि आपके एक भी पार्टिसिपेंट के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। एंड लास्ट इस पूरी प्रोसेस के बाद, मान लो कि आप मुझे आज मिले 11 जुलाई को एंड फिर आप मुझे मिले लेट्स से 20 अगस्त को, इस एक महीने के दौरान अगर मैंने कोई डेवलपमेंट किया, मैंने कोई नया एक्शन स्टेप लिया या मैंने कोई नई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर की या मैंने कोई भी ऐसा स्टेप लिया जिससे मेरी प्रोग्रेस हो, जिससे मेरी इनकम बढ़े और जो आपको लगता है कि बहुत कॉन्क्रीट स्टेप है, उसके बिजनेस के लिए आपने जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप को ध्यान में रखते हुए या सेशन में जो एक्टिविटीज दी गई थी MBMP सेशन में, उन एक्टिविटीज के हिसाब से अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने कोई अच्छा स्टेप लिया है एंड उससे आपको लगता है कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसे अचीवमेंट्स, ऐसे मीनिंगफुल एक्शन स्टेप्स को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, अप्रिशिएट करो और पूरे ग्रुप को एनकरेज करो कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे। सी, ये जो आपका ग्रुप है ना 10 पार्टिसिपेंट का, इसका भी एक ग्रुप का कल्चर बन सकता है। अब ये कल्चर हो सकता है कल्चर ऑफ आइसोलेशन, कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कल्चर ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कल्चर ऑफ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, कल्चर ऑफ लेथार्जी भी हो सकता है आपके ग्रुप का कल्चर, या दूसरा हो सकता है कल्चर ऑफ एक्शन, कल्चर ऑफ हार्डवर्क, कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्डिंग, कल्चर ऑफ अप्रिशिएशन, कल्चर ऑफ सेलिब्रेशन। सो डिपेंड करता है कि आप अपने ग्रुप में किस टाइप का माहौल बना के रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रुप में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, लोग हमेशा एक दूसरे को एनकरेज करते रहे, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, तो फिर आपको अपनी तरफ से हर वो ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसी पोस्ट, ऐसी चीजें डालनी है जिससे ग्रुप हमेशा मोटिवेटेड रहे और एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे। लेट्स से 2 टाइप की टीम हो, एक टीम में कल्चर ऑफ इनफाइटिंग है, कल्चर ऑफ थेफ्ट है, कल्चर ऑफ लेथार्जी है, कल्चर ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस टीम की क्या प्रोग्रेस होगी, और दूसरी टीम है जहाँ पे कल्चर ऑफ टीमवर्क है, कल्चर ऑफ यूनिटी है, कल्चर ऑफ हार्मनी है, कल्चर ऑफ हैप्पीनेस है, कल्चर ऑफ सेलिब्रेशन है, कल्चर ऑफ एथिक्स है, ये दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ज्यादा एंजॉय कर रहा है जर्नी को, किसको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने पार्टिसिपेंट से रेगुलर मिलते हो, इनफैक्ट अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को जाकर मिले तो उसका भी एक छोटा फोटोग्राफ डालो आप ग्रुप में कि आज आप इस पार्टिसिपेंट को मिले और उसके साथ ये 2 डेवलपमेंट की बातें अच्छे से डिस्कस हुई। सिर्फ काम की बातें व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, इस MBMP प्रोग्राम से कनेक्टेड चीजों को लेकर ही, उसके बाहर की कोई चीज मेहरबानी करके मत डालना, क्योंकि अगर आपने कोई पोस्ट मोटिवेशनल कोड डाल दिया तो सारे पार्टिसिपेंट डालना स्टार्ट करेंगे और फिर ये ग्रुप मैसी हो जाएगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। या फिर उस ग्रुप में आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो पोस्टिंग के, आई डोंट नो आपको कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है तो आई थिंक सबको अपनी अपनी बात या रिक्वेस्ट पोस्ट करने का मौका मिलना चाहिए,
बट उस व्हाट्सएप ग्रुप के भी कुछ रूल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। इस प्रोग्राम से रिलेटेड बातों के अलावा उस ग्रुप में एक गुड मॉर्निंग का एक्स्ट्रा मैसेज या याली मदद का एक्स्ट्रा मैसेज नहीं जाना चाहिए। वो आप करते हो, ग्रीटिंग्स है हमारी, सही है, लेकिन जैसे ही एक करेगा सभी स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बाकी के जितने व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जैसे मेस लगता है और फिर हम उस ग्रुप से एग्जिट करने लगते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं, वो यहाँ ना हो, ये आपको ध्यान रखना। नाउ ये हो गया आपके बेसिक्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूं। ये जो मैंने कहा ना कि आपको एक घंटा अलग से फिक्स रखना है या वीक में दो बार पार्टिसिपेंट को मिलना है, यानी रेगुलरली उनके टच में रहना है, रेगुलर इंटरेक्शन करना है। सो जब आप रेगुलर इंटरेक्ट करोगे तो आपको करना क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टास्क फॉर रेगुलर इंटरेक्शंस। जो आप वीक में दो बार लोगों को मिलोगे या आप उनको कॉल करोगे, वो आपको कॉल करेंगे, उसमें किन मुद्दों पे बात होनी, किन टास्क पे आपका डिस्कशन होना चाहिए। तो वन इज सेशन में आपकी क्या लर्निंग रही। आप जब भी कॉल करो या पार्टिसिपेंट आपको कॉल करें तो हर बार आफ्टर दी सेशन एक कॉल आपकी तरफ से जाएगा तो मच बेटर, एक कॉल आपकी तरफ से जाना चाहिए कि ये जो लास्ट सेशन गया उसमें आपकी क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग रही। पार्टिसिपेंट को एनकरेज करो कि वो अपनी लर्निंग को डॉक्यूमेंट करें और चाहिए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करें, लेकिन आपके बीच में, आपके और पार्टिसिपेंट के बीच में सेशन की लर्निंग डिस्कस होनी चाहिए। नंबर टू, सेशन में अगर कोई एक्टिविटी दी गई है या कोई एक्शन स्टेप दिया गया है तो उनको आप पुश करोगे, एनकरेज में नहीं बोल रहा हूँ, मोटिवेट नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली धक्का मारना पड़ेगा। सो यू हैव टू पुश द पार्टिसिपेंट कि वो उन एक्टिविटीज को टाइम पर कंप्लीट करे। थर्ड, पिछले सेशन में आपने जो कुछ भी सीखा उसके बेस पे आप अपने बिजनेस के लिए क्या एक्शन स्टेप लेने वाले हो, ये आपको उनको पूछना है, उनसे लिखवाओ, सिर्फ दिमाग में नहीं, सिर्फ वर्बली नहीं, उनसे लिखवाओ कि लास्ट सेशन मार्केटिंग का था, उसमें आपको मार्केटिंग के कौन से आइडियाज अच्छे लगे और आप उसमें से कौन से आइडियाज अपने बिजनेस में अप्लाई करने वाले, उनसे लिखवाओ। एंड फिर जब आप उनसे मॉनिटर करो तो वो एक्शन स्टेप्स, डॉक्यूमेंटेड एक्शन स्टेप के सामने पूछो उसको कि आपने इन आइडियाज के लिए क्या किया था, आपने ये एक्शन स्टेप कमिट किया था, इस पे आपने क्या एक्शन लिया। आपका काम यही है, ज्यादातर दिमाग उनको चलाने दो, आइडियाज उनके, लेकिन उनको पुश करो कि वो उसको इंप्लीमेंट करे। नहीं किया है तो दूसरी बार जब आप मिलो तो आप उसको वापस री इन्फोर्स करो, लेकिन मॉनिटरिंग, पुशिंग एंड एनफोर्सिंग अलोंग विद मोटिवेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट सेशन कोई आने वाला है तो सेशन से 3 दिन पहले से, अगर सेशन संडे को है तो फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड सेशन के दिन पे संडे 3 बार आपकी तरफ से आपके ग्रुप में आपके पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंडर जाना चाहिए। इनफैक्ट ग्रुप में डालने से बेहतर है कि सेशन रिमाइंडर आप सबको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भेजो कि संडे को सेशन है, प्लीज मिस मत करना। ये रिमाइंडर आपकी तरफ से जाना चाहिए। एंड एक अगर फॉलो अप कॉल आप कर सको अपने पार्टिसिपेंट्स को एक्टिव रखने के लिए तो दैट वुड बी लाइक वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल एंड दैट विल बी एन एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम यू टू ईपीबी टू मेक दिस होल एमवीएमपी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर इफेक्टिव एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। सो इसके बेनिफिट्स जमात को ज्यादा तब मिलेंगे जब जमात इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। सो इसके लिए आपकी तरफ से 3 रिमाइंडर व्हाट्सएप पे, लेट्स से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने व्हाट्सएप से भेजा एंड संडे मॉर्निंग को या सैटरडे इवनिंग को आपने कॉल करके बोला कि कल सेशन है, प्लीज मिस मत करना। सो ये एज अ टीम लीडर आपके रेगुलर इंटरेक्शन के एजेंडा होने चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ कमिटमेंट दिए हैं कि मैं सैटरडे तक जाके सीए से मिल के आऊंगा या मैं अपने कस्टमर डेटा पे मैं मार्केटिंग के 2 पोस्ट करने वाला हूँ फ्राइडे को, तो वो जो भी कुछ छोटे मोटे टास्क लेते हैं, एक तो टास्क नहीं लेते तो एनकरेज करो, टास्क लेते हैं तो वो उसको इंप्लीमेंट करें, उसके लिए उनको एनकरेज करो। देन ऑफकोर्स उनको रेगुलरली मोटिवेट करना, ये आपके रेगुलर इंटरेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा हो। आफ्टर एवरी सेशन या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उनको जो फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, यू हैव टू एंश्योर कि आपके टीम के हर पार्टिसिपेंट ने वो फीडबैक फॉर्म भरे हैं और टाइम टू टाइम उसको सबमिट कर रहे हैं। सो अब तक जो कुछ मैंने शेयर किया आपके प्रोसेस के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, इस पर आपके कोई कमेंट्स या थॉट्स हैं, इज दिस इफेक्टिव, विल दिस हेल्प यू, या यू थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड योर व्यूज, और इस पर कोई क्वेश्चन है तो लेट अस हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन इट। हु विल डू मॉनिटरिंग फॉर अस, करीम भाई, ग्रेट क्वेश्चन। रफीक सेज प्लीज शेयर लास्ट शीट अगेन, या डेफिनेटली आई विल शेयर द पीपीटी इटसेल्फ विद यू रफिक।
सो ये जो चीजें मैंने आपके साथ अभी तक शेयर की, आर यू क्लियर विथ इट एंड इज दिस कंफर्टेबल फॉर यू और नॉट? सो इफ यू आर क्लियर से यस, एंड इफ यू से दैट ओके आई एम कंफर्टेबल विथ इट, देन आई नीड दैट थंब थिंग ऑल्सो, तो मेरे को दोनों सवालों के प्रॉपर जवाब मिल जाएंगे विदाउट यू स्पीकिंग एनीथिंग. एब्सोल्युटली ग्रेट. सो दैट्स रियली साइन ऑफ ग्रेट कॉन्फिडेंस इज अस. थैंक्स फॉर दिस. Problem is people are not comfortable to share their details. Yes, Rafiq, I know people are not comfortable. And inhi sari cheezon mein, in roadblocks ko overcome karne ke liye, aap mere saath regular interaction karne wale. Hame participant ko convince karna hi hai. Har wo cheez karne ke liye, jo uske progress ke liye zaruri hai. You know, Maulana Hazri Mam ka mujhe Africa, I think 1997 ki visit ke dauran, it was one of the speech of Farman, I don't remember, lekin Maulana Hazri Mam ne ek cheez kahi thi ki the irony is jinko aapki zarurat hai unko pata nahi ki unko aapki zarurat hai, and that's a big challenge. Jab aap kisi ki service karne jate ho, aap kisi ko serve karne jate ho, kisi ko help karne jate ho, aap kisi ko support karna chahte ho, aap unhe zindagi mein aage lana chahte ho, आपको लगता है कि उसको आपको उसको आपकी जरूरत है, लेकिन उनको खुद का इसका रियलाइजेशन नहीं है. वो आपको डिस्टर्बेंस समझते हैं, एट टाइम्स वो आपको इग्नोर करते हैं, बहुत कुछ होगा, बट जो है वो है, कांट हेल्प इट. हमें इन्हीं रोड ब्लॉक्स के साथ काम करना है. अगर इतना ही इजी होता तो हमारी जरूरत थोड़ी होती, कब का हो चुका होता ना. थैंक्स रफीक. सो यस, डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Firoz says that, sir, in initial stage, can't it be more academic-like for participant? No, in fact, jab aap form bharoge, so it is going to be a completely different experience altogether. Now, let me quickly share the form with you. Actually, the suggestion was to fill the form, but I think humare paas utna time nahi hoga. I'll quickly share the form, lekin I want to explain this form to you properly, taki you get a proper idea on इस फॉर्म को जब आप भरोगे ये कितना हेल्प कर सकता है आपको. सोहिल सेज आल्सो टू हेल्प ग्रुप्स, आई थिंक देयर हैज टू बी मैसेज फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग टीम टू पार्टिसिपेंट्स टू फॉलो ग्रुप रूल्स एंड बी पार्टिसिपेटिव फॉर ओन गुड. सी, ईपीवी की तरफ से रेगुलर कम्युनिकेशन जाएगा ही, पार्टिसिपेंट को रिमाइंडर जाने ही वाले, सेशन में उनको ये सारी चीजें कही जाएगी. एज Thanks for this, but it is today's Imamat Day, and I really feel like everybody would want to spend a little time with the family and have lunch with the family. And I am there as us. मैं पूरी शाम तक बैठ सकता हूँ, but I don't know बाकी participants की क्या वो है. But I am going to share the form. Don't worry. And आपको proper explanation दूंगा तभी इसको wind up करूँगा. It's just a matter of time. We need more interaction among group leaders. I think इसके लिए रफीक, we have a WhatsApp group जिसमें हम open discussion सारे team leaders के साथ कर सकते हैं. Abid says the challenge may be being able to keep all things in mind for the team members. Can you guide how to manage? Definitely, I can set clear reminders for you people and clear notifications can be sent to you कि आपने ये step लिया कि नहीं. आज 15th July हुई, आपने minimum 3 participant के form भर लिए कि नहीं. वैसे छोटे-छोटे reminders हम आपको regular भेज सकते हैं. I think the housekeeping announcements may probably, or maybe the EPB team, the panelists there who are part of this discussion, we can all discuss internally and set certain kind of reminder and notification things. Just say we can also push you to do the right things for your participants. Sir, but does all participants in this program need help or some have joined just to attend? Malika, 20% logo ko zarurat nahi hogi, 80% logo ko hogi. Now 80% जिनको, sorry 20% जो self sustained है, उनका business बहुत अच्छा है, वो सिर्फ अपना knowledge बढ़ा रहे हैं, उनको शायद इसकी जरूरत नहीं होगी. और वही 20% को हमने identify करके team leader बनाया हुआ है, honestly. लेकिन even team leaders को भी कभी कभी कोई idea strike होता है. जब आप participant के साथ काम करते हो तो आपको खुद को बहुत सारे आइडिया स्ट्राइक होते हैं, तो जिनको जरूरत नहीं है उनकी भी कहीं ना कहीं हिडन जरूरत तो होती ही है कुछ नया करने की अपने अपने बिजनेस में. बट yes, कुछ लोग रिसोर्सफुल होते हैं. इनफैक्ट ये जो 20% पार्टिसिपेंट्स है उनका यूज हम कर सकते हैं बाकी 80% को सपोर्ट करने के लिए. उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनका नेटवर्क, उनके कॉन्टैक्ट्स का हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हम जमात को दिला सकते हैं. तो हम इस तरीके से भी इन 20% पार्टिसिपेंट के साथ इंटरैक्ट करके
उनका कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम के रिजल्ट के लिए। आपने क्या हासिल किया वो जरूरी है, मगर आपने दूसरों को हासिल करने में क्या मदद की वो ज्यादा जरूरी है। यस ऑफ कोर्स अहमद, आई रिमेम्बर दिस कि आई स्पीक दिस इन गुजराती कि इस्लाम एथिकल क्वेश्चन ये नहीं कि इनफैक्ट दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट दैट्स प्रोबब्ली मौलाना हाजी ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, आई एम जस्ट इजीली समझ में इसलिए बोल रहा हूँ। फंडामेंटल एथिकल क्वेश्चन इस्लाम में ये छे कि बीजाओ मेड़वा पामे एना माटे तमे शू करियो छे, ने शू मेड़वियो छे इज इम्पोर्टेंट, बट ज्यादा एथिकली ज्यादा इम्पोर्टेंस इस सवाल का है कि बीजाओ मेड़वा पामे ते माटे ने शू करियो छे। सो पहला जो पार्ट है यहाँ पे जनरल डेटा फॉर्म जनरल इन्फॉर्मेशन वाला है, जैसे कि लेट्स से नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज से रोजी एंटरप्राइज, मैं से नाम दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, नेम ऑफ द पर्सन इज लेट्स से फिरोज भाई, कब से ऑपरेट कर रहा है भाई 2004, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर हो सकता है या कुछ और हो सकता है लाइक रिटेलर हो सकता है या सर्विस बिजनेस हो सकता है, सर्विस में आईटी हो सकता है, तो हम सब ब्रैकेट में लिख सकते हैं आईटी। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। नाउ लेट से उनकी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। सो अगर वो ट्रेडर है फॉर एग्जांपल, तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्लास्टिक ट्रेडर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई मे बी प्लास्टिक बैग वाला है, प्लास्टिक बैग्स है। दूसरा हो सकता है कि मे बी फाइल्स फोल्डर्स है, प्लास्टिक फाइल्स फोल्डर्स एक्स वाई जेड। तो जो भी उसके कुछ प्रोडक्ट्स है वो डिटेल्स हम यहाँ लिखेंगे। अगर बेकरी रिटेलर है और बेकरी है उसकी, तो यहाँ पे सीधा आप बेकरी एंड कन्फेक्शनरी लिख दोगे तो सब आ गया। नाउ लोकेशन उसका जो भी है एड्रेस वो आपको यहाँ पे फिल करना है, लेट्स से वसई, और उसमें भी वसई लिखने से नहीं होता, एट टाइम्स अगर आप प्योर लोकेशन लिखते हो, लेट्स से मैं लिखता हूँ नॉट वसई बट दहीसर फॉर एन एग्जाम्पल, एंड दहीसर में भी आई वुड से द पर्सन उसका जो शॉप है वो है रावलपाड़ा, इट्स एन एरिया फॉर एन एग्जाम्पल। एरिया से हमको पता चलता है कि इसकी लोकैलिटी क्या होगी, तो रावलपाड़ा मीन्स लोअर मिडिल क्लास या इस टाइप की लोकैलिटी होगी, एंड किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, थोड़ा आपको फेयर आइडिया इससे ही आ जाता है कि लोकैलिटी के हिसाब से वहां पे परचेस पावर लोगों का क्या होगा, किस टाइप की प्रोडक्ट्स इनको रखनी चाहिए, किस टाइप की प्रोडक्ट्स इनके यहाँ बिकती होगी, एंड ऑल दोस थिंग्स। कई बार लोकेशन से भी, लोकेशन और बिजनेस की कनेक्टिविटी बिठा के भी हम बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि इस एरिया में बैठ के इस टाइप के कस्टमर्स के बीच में बैठ के ये कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इनको एक्चुअली कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, इनको अपने बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस करने चाहिए। सो ये हम कई बार इतनी बेसिक डिटेल से भी हम बहुत कुछ आपके पार्टिसिपेंट के बिजनेस के बारे में आप आइडियाज लगा सकते हो। ये फॉर्म बहुत इंटेलिजेंटली छोटा सा बनाया है, इसमें भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। नाउ लेट्स से सेल्स इन अमाउंट 2018-19 में इस बंदे का सेल था, लाइक ट्रेडर है, होलसेल ट्रेडर है फॉर एन एग्जाम्पल, सो इनकी सेल थी 2 crores, होलसेल ट्रेडर है इसलिए, रिटेलर होता तो शायद 50 lakhs होता या 1 crore होता, आई डोंट नो। और 1920 में उसकी सेल थी लेट से 2.3 crores, एंड फिर 2021 में क्योंकि कोविड था बिजनेस उसका हो गया वापिस लेट से 1.5 crore। तो अभी ये डिटेल से क्या होगा, कोविड है इसकी वजह से सेल्स गिरा, वरना नॉर्मली 18-19 में अच्छा सीन था, उससे 15% ग्रोथ किया 19-20 में, मतलब कि ये आदमी का बिजनेस अच्छा है और ये इसमें ग्रोथ कर रहा है। बट अगर मान लो यहाँ पे मैंने फिगर लिखा कि 18-19 में 2 crore की सेल थी, 19-20 में भी 2 crore की ही सेल थी, और 20-21 में समझो वो तो कोविड की वजह से डेड है, तो आई नॉट डिस्कस अबाउट इट। अब अगर 18-19 की सेल भी सेम थी, 19-20 की सेल भी सेम थी, मतलब कि उसका बिजनेस स्टेग्नेंट है, जब मार्केट अच्छा था तब भी इसके बिजनेस में 10-15% का ग्रोथ नहीं आया, तो ये नंबर से भी आप बहुत कुछ जान सकते हो कि ये आदमी स्टेग्नेंट बिजनेस लेके बैठा है। हो सकता है कि वो जिस बिजनेस में है उस प्रोडक्ट का सेल्स पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बिजनेस टर्नओवर सेम ही रहा है, मतलब कि ये आदमी का बिजनेस करने का तरीका या तो स्टेग्नेंट हो चुका है, या इसको कोई चैलेंज आई है जिसकी वजह से इसका बिजनेस स्टेग्नेंट रहा है, या ये आदमी लेथार्जिक है, कॉम्प्लिसेंसी में बैठा है, जैसा बिजनेस चल रहा है वो चला रहा है, वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये फिगर्स बोलने को फिगर है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करो तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है पार्टिसिपेंट के बिजनेस के बारे में। नाउ जब उसका 18-19 का सेल 2 crore है और 19-20 का भी 2 crore है, तो इसका एक और मतलब होता है, 19-20 में अगर सेम टर्नओवर है तो इसका मतलब यह होता है कि 18-19
2019 में उसकी जो इनकम थी 19-20 में उसकी इनकम में कम से कम 10-15% का गैप आ गया। वो कैसे, हर साल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। लेट से स्टाफ की सैलरी 10% बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़े, घर के खर्चे भी बढ़ते आदमी के। अब एक्सपेंस बढ़ा लेकिन टर्नओवर सेम है, तो उसका प्रेशर आता है मार्जिन पे। यानी अपने सेम टर्नओवर करते हुए भी लोगों को यह भ्रम होता है कि मेरा बिजनेस 2 करोड़ का 3 साल से है और आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट। बट एक्चुअली जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि 18-19 में 2 करोड़ के बिजनेस में इन्होंने 30 लाख रुपए कमाए थे। अगर 15% एनपी है तो 10% है तो 20 लाख रुपए कमाए, यानी महीने का 1.5-2 लाख का इनकम। 19-20 में वही इनकम उसकी कम से कम 15-20% कम हुई होगी, है ना, ओवरऑल अमाउंट पे। तो अगर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ की सेल पे 20 लाख कमाया तो 19-20 में 20 लाख की सेल पे सिर्फ 12 या 13 लाख रुपए कमाया होगा। कहीं ना कहीं उसकी इनकम ड्रॉप हुई होगी, प्रॉफिट गया होगा, क्योंकि हर साल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। तो जैसे हर साल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, वैसे ही हर साल उसकी सेल में कुछ तो डिफरेंस दिखना चाहिए, पॉजिटिव। नहीं है तो ये फॉर्म आप भरते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, ये इसकी इनकम ड्रॉप हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, टोटल इन्वेंटरी ऑन हैंड। अब ये फाइनेंशियल है, ध्यान रखना। लेट्स से उसके पास, उसका धंधा 2 करोड़ का है, अभी स्टॉक उसके पास है 40 लाख का, और मार्केट से उसको लेना है जो उधार दिया होता है मान लो कि 50 लाख। इससे पता चलता है कि इसके पास 40 लाख की स्टॉक है एंड 50 लाख का इसने उधार दिया हुआ है। 2 करोड़ के धंधे में 50 लाख उधार है। इसका मतलब इसके बिजनेस में टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, टोटल कैपिटल वो है 40 लाख का स्टॉक और 50 लाख जो कस्टमर को उधार दिया, 90 लाख रुपए का इसका कैपिटल रुका है बिजनेस में, और उसके सामने उसका टर्नओवर है 2 करोड़। मतलब इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो साल में 2.5 टाइम्स या 2.2 टाइम्स ही घूम रहा है, जबकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एटलीस्ट साल में आपकी मुड़ी 4 बार घूमनी चाहिए। आपका जो पैसा है, वर्किंग कैपिटल है, वो 4 बार घूमना चाहिए। आइडियल 2 करोड़ के धंधे के लिए 50 लाख से ऊपर पैसा नहीं लगना चाहिए, उससे कम लगे तो और अच्छा है, लेकिन यहाँ 90 लाख लगा हुआ है। अब ये 90 लाख उसके घर का नहीं होगा, हो सकता है घर का 10 लाख है, और सप्लायर ने क्रेडिट दी हुई है उसको, लेट से सप्लायर को देने का 60 लाख रुपए, या लेट से सप्लायर को देना है 40 लाख रुपए। तो 40 लाख का माल है और 40 लाख सप्लायर को देने, यानी मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा है वो पूरा सप्लायर का है, मैं उनके पैसे से धंधा कर रहा हूँ। सो 40 लाख सप्लायर ने मेरे धंधे में इन्वेस्ट किया है, 10 लाख मेरा खुद का था 50, और मेरे पे लोन्स एंड लायबिलिटीज है करीब मैंने 50 लाख की लोन चल रही है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरी, ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 90 लाख रुपए धंधे में लगे हुए, उसमें 40 लाख सप्लायर के लगे और 50 लाख की लोन है, मतलब कि मेरे खुद का पैसा कुछ है ही नहीं। तो ये कम्प्लीटली लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों मैच हो रहा है। अब इसमें एक रिस्क क्या है जब ऐसा कुछ होता है, तो 40 लाख का जो माल है उसमें से कुछ डेड स्टॉक होगा, रेड कटिंग होता है, श्रिंकेजेस होता है, पुराना हो जाता है, सस्ते में बेचना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है, तो 10% माल यानी 3-4 लाख रुपए का स्टॉक लॉस आएगा। और 50 लाख रुपए जो मार्केट में बाकी है, उगराने कभी पूरी नहीं आती, उसमें भी 10-20% पैसा लॉस होता है, तो 7-8 लाख रुपए वहां डूबते हैं। लेट्स से तो 7-8 टोटल 10 लाख रुपए स्टॉक और क्रेडिट में, 10 लाख रुपए वो कभी आने ही नहीं वाले, वो इट्स एन इल्यूजन। तो फिर 10 लाख की लॉस यहाँ पे क्लियर दिख रही है, लेकिन सप्लायर तो पूरा पैसा लेगा आपसे 40 लाख, और बैंक भी आपसे पूरा पैसा लेगी विद इंटरेस्ट। मतलब आपके पास जो स्टॉक ऑन हैंड है या जो आपकी मार्केट कलेक्शन है, वहां पे आपका 8-10 लाख रुपए का ऑलरेडी कैपिटल ड्रेन नजर आ रहा है, जो आगे चल के कर्जा हो सकता है आपके सर पे, लायबिलिटीज हो सकती है आपके सर पे। अब जरूरी नहीं कि सबके फिगर्स ऐसे ही, किसी का फिगर बहुत अच्छा होगा कि 2 करोड़ का धंधा है, सिर्फ 20 लाख का स्टॉक है, और मार्केट में उधार कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 लाख रुपए है, और उसमें वो 2 करोड़ का धंधा करता है, ज्यादा उधार नहीं देता, ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखता। नाउ दिस इज द बेस्ट बिजनेस, बेस्ट टाइप ऑफ, इसमें इसका वर्किंग कैपिटल साल में 7 बार घूम रहा है, तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल इतना इफेक्टिव है कि ये कम पैसे में ज्यादा टर्नओवर करता है। अब इसका पैसा 7 बार घूम रहा है, तो हमको दिमाग लगाना चाहिए कि ये पैसा 9 बार कैसे घूमे, 8 बार कैसे घूमे, और इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े। नाउ नॉट नेसेसरी कि आप सभी की एफिशिएंसी पे काम करो, आप इसके साथ एक और काम कर सकते हो कि भाई 2 करोड़ की सेल 2.5 करोड़ कैसे उस पर काम करते हैं, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नाउ ये डिपेंड करता है कि आप उसके बिजनेस को समझ के उसके लिए क्या रोडमैप बनाते हो, क्या प्रायोरिटी सेट करते हो। नाउ मान लो कि यहाँ पे वेंडर को देना है 20 लाख और लोन कुछ भी नहीं है,
लायबिलिटी जीरो है। सो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है जहाँ पे उसके ऊपर 2 करोड़ के धंधे में अगर 10% प्रॉफिट है तो साल में 20 लाख कमा रहा है और उसके ऊपर टोटल व्यापारी को देने का 20 लाख है, वो भी उसके पास 20 लाख का स्टॉक है, मार्केट से 10 लाख लेना है। मतलब इन्होंने अपने बिजनेस में, इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इनके पास सरप्लस है ना, ये फॉर्म है सिर्फ। हम क्या कई बार खाली आंकड़े भर देते, लेकिन अगर आप उसको इंटरप्रेट करो तो आपको उस छोटे से बिजनेस के बारे में ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल में कितना कुछ जानने और समझने को मिलता है, दैट्स अ ब्यूटी। नाउ लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट, वो बोलता है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, यानी 2 करोड़ के धंधे में 40 लाख, एंड टोटल एक्सपेंस वो बोलता है कि मेरे धंधे का है महीने का 1.5 लाख रुपए, यानी 18 लाख रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि ये भाई साहब साल में 22 लाख रुपए कमा, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, तो भाई मेरे पास 8 आदमी का स्टाफ है, या आई हैव 10 पीपल, लेट्स से 10 एम्प्लॉइज, जिसमें सफाई वाला भी आ गया एंड ऑल दोस थिंग्स। अब इससे आगे और डिटेल में नहीं जाने का, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। अगर 10 आदमी है तो उसकी कॉस्ट 1.5 लाख नहीं होगी, ज्यादा होगी, तो फिर या तो वो फिगर मिसमैच कर रहा है, क्योंकि एवरेज आदमी की आज 12-15 हज़ार सैलरी गिनो और जो सीनियर है उसकी ज्यादा गिनो, तो कई बार ये एक्सपेंस मैच नहीं करता, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे खर्चे होंगे। सो इन्होंने सही आंकड़ा दिया कि नहीं, वो जानने के लिए यहाँ पे आप उसको पूछ सकते हो कि आप क्या क्या खर्चे गिनते हो, तो बोलेगा कि मैं स्टाफ की सैलरी गिनता हूँ, रेंट गिनता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी गिनता हूँ, लेकिन हमको पता चलता है कि ये भाई साहब डेप्रिसिएशन नहीं गिनता, ये शायद नहीं गिनता है डेप्रिसिएशन, इसको जीरो गिनता है। फिर लाइक कैपिटल इंटरेस्ट जो लगती है, स्टॉक लॉस जो होता है, यानी वो डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर का हुआ या स्टॉक लॉस हुआ, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के जो बिजनेसमैन सोचता ही नहीं कि वो मेरा खर्चा होगा, और वो कॉस्ट उसके ध्यान में ही नहीं आती, वो दे आर ब्लाइंड साइडेड। तो उसकी ये ओवरहेड्स अगर हम लिखवाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से बिजनेस में एक्चुअल खर्चे लग रहे हैं, उसमें से कितने वो काउंट कर रहा है और कितने वो मिस कर रहा है। इससे उसने जो इनकम बताई और जो एक्सपेंस बताया उसके बीच का गैप पता चलेगा और उससे हम उसकी एक्चुअल इनकम पे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड बिजनेस के फिगर सही है। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल प्रोडक्ट्स, तो बोलेगा भाई मैं, मेरे पास करीब 200 वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, लेकिन उसमें से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी है, तो 80-20 रूल के हिसाब से 40-50 जो टॉप सेलिंग है, जो ज्यादा बिकती है, और बाकी 150 प्रोडक्ट्स स्लो मूविंग है। अब इससे हम ये डिस्कशन भी कर सकते हैं कि ये 40 प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकती है, उसी की सेल बढ़ा के बाकी की प्रोडक्ट का स्टॉक कम कर दे या उसको डिस्कार्ड कर दे या वॉट एवर इट इज। कहीं कहीं पे ये नॉन प्रोडक्ट्स रखना कुछ व्यापारी को बहुत जरूरी लगता है कि पूरा रेंज होगा तो ही कस्टमर आएगा, सबके अपने लॉजिक्स एंड माइंडसेट होते हैं। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड उसका बिजनेस, अभी हम करेक्शन नहीं करवा रहे, हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हमको ये फॉर्म भरना है। सो नाउ ऑपरेशनल डिटेल में, लाइक से आपने उनको पूछा कि क्या आप कस्टमर डेटा मेंटेन करते हो, उसने बोला यस मैं करता हूँ, डन, थैंक यू, नहीं तो नो, नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस का बेसिक होता है कि कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करके रखूं। एक CRM का सेशन है MBMP में, ये सारी चीजों को लेके सेशन है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर, ये सारी चीजों को लेके MBMP में सारे सेशंस है ऑलरेडी। लेकिन आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको हर सेशन में क्लिक होगा कि ये मेरे फलाने पार्टिसिपेंट की प्रॉब्लम है, तो आप उसको बाद में एनकरेज कर सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, तो आप सेशंस के साथ उनका रेलेवेंस बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाओगे, ये भी एक बेनिफिट है इस फॉर्म को भरने का। लेकिन ये फॉर्म भर के भूल मत जा, इसको कहीं अच्छे से स्टोर करके रखना, और पीरियोडिकली जब आप 1.5 से 2 महीने में एक बार पार्टिसिपेंट को मिलो तब ये फॉर्म साथ में रखना और आपका रोड मैप साथ में रखने का, ताकि आप इसी फॉर्म में लिए डेटा और आपके रोड मैप के हिसाब से उनके साथ जब भी मिलो उस पर डिस्कशन करो। अगर उसने बोला कि यस मेरे पास कस्टमर डेटा है, तो हम बोलेंगे कितना है आपके पास डेटा, तो बोलेगा आज तक शायद मेरे साथ 2000 कस्टमर ने काम किया होगा, लेकिन मेरे पास 200 का ही डेटा है। फाइन, सो एक्चुअल कस्टमर आज तक 2000 आए होंगे, बट उसके पास डेटा सिर्फ 200 का ही है, मतलब कि उसने कस्टमर डेटा को इंपॉर्टेंस कभी दिया ही नहीं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द एरिया जहां पे हम उसको इंप्रूव करवा सकते। नाउ अगर कस्टमर डेटा है तो यूज का कर लो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं पीरियोडिकली अपने प्रोडक्ट के मैसेजेस भेजता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल। दूसरा क्या करते हो भाई इस डेटा का, मैं SMS भेजता हूँ, ओके फाइन। और क्या करता हूँ, मैं फेस्टिवल विश करता हूँ, ओके। और क्या करता हूँ, मे बी मैं उनको ऑफर्स भेजता हूँ XYZ, या बोलेगा मेरे को नहीं पता, मैं डेटा के साथ कुछ भी नहीं करता। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे भी नो है, अगर यहाँ नो आया मतलब कि ये सब जीरो हो गया, मतलब वो अपने कस्टमर के साथ रेगुलर टच मेंटेन करता नहीं है, उसके पास कोई डेटा नहीं है, एक ट्रेडर माइंडसेट वाला इंसान है, सिर्फ ट्रेडिंग करने में उसका ध्यान है, बाकी चीजों में जहां से उसका बिजनेस बढ़ सकता है उस पर उसका फोकस नहीं है। अब जो कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करता है वो अपसेलिंग की अपॉर्चुनिटी गवाता है, क्रॉस प्रोडक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी गवाता है, एंड फ्यूचर में सेम कस्टमर जो आज आपसे 1000 का माल लेता है वो कल 2000 का लेगा। जितना ट्रस्ट बढ़ेगा उतना क्वांटिटी बढ़ता है, वो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को गवा रहा है। तो हमें पता चलेगा कि इस आदमी के बिजनेस करने की स्टाइल में फंडामेंटल एरर है।
वो कस्टमर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है या उसके डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। बिजनेस इज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो ये थोड़ा सा साइंस है बिजनेस का। हम उनको पूछेंगे कि आपको बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बोलेगा मेरा सेल्स ड्रॉप हो रहा है, या बोलेगा कि फंड्स नहीं है मेरे पास, कुछ भी बोल सकता है, स्टाफ एट्रिशन, स्टाफ टिकता नहीं है, या कॉम्पिटिशन बहुत खराब है, या बोलेगा प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे वो लिख लो कि इस बंदे के क्या क्या इश्यूज है। अब ये जो इश्यू वो बता रहा है उसको आप उसके आगे वाले डेटा से, ऊपर जो डेटा हमने लिया उसके साथ मैच करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी जड़ इसी में कहीं पे है। ऊपर जो डेटा है वो नीचे इश्यूज के साथ रिलिंक करके देखोगे तो उसके प्रॉब्लम की जड़ आपको पता चल जाएगी। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और ऊपर लिखा कि वो कस्टमर का डेटा मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करता। सी, नया कस्टमर है ना, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। पुराना कस्टमर जो बार बार आपको रिपीट बिजनेस देता है, जो आप पे ट्रस्ट करता है, उसका एवरेज बिल वैल्यू भी ज्यादा होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना पड़ता, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर होते हैं। तो अगर किसी के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो समझने का कि ऊपर जो उसकी मिस्टेक है, कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करता, ये उससे कनेक्टेड हो सकता है। अभी तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, ये तो मैं आपको फॉर्म का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। नाउ बिजनेस गोल क्या है नेक्स्ट 2 इयर्स के? पता चला उसके पास कोई गोल्स ही नहीं है, नो गोल्स, या कुछ भी बोल देगा, इतना सेल बढ़ाना है। इससे एक इश्यू पता चलता है, दैट इज लैक ऑफ एस्पिरेशंस एंड लैक ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो ये कुछ कमेंट्स आप बना सकते हो बाद में। नाउ वो बोलेगा कि मान लो किसी ने बोला कि मेरे को, मेरा सेल 2 करोड़ है और मेरे को अपना सेल 2 साल में 4 करोड़ करना है, डबल करना है। ठीक है, तो हम पूछेंगे भाई सेल्स या इनकम बढ़ाने के तेरे पास क्या आइडियाज है? वो बोलेगा मैं एक और शॉप स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट एट 1 more location, या ये बोलेगा कि भाई मैं कुछ 10 new products, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग में जो भी आइडिया है वो निकलवाओ उससे, उसके दिमाग को खाली करो पहले, आप अपने आइडियाज बाद में देना, पहले उससे निकलवाओ। कुछ आइडियाज उसको सेशन से मिल जाएंगे, आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको पूछो। कई बार क्या वो 4 करोड़ लिख देगा लेकिन कैसे होगा पता नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, नो आइडिया। ये भी आंसर होता है और आपको मिलेंगे ऐसे आंसर, कैसे सेल बढ़ाओ मेरे को नहीं पता लेकिन मेरे को करना है 4 करोड़। इससे वो बिजनेसमैन की सोच, उसका माइंडसेट सब पता चलता है। नाउ यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो आप एडवाइस के लिए किससे बात करते हैं? बोलेगा कोई नहीं है, नो वन, तो समझने का कि ये आदमी आइसोलेटेड है, इसका कोई मेंटोर नहीं है, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और इसको हैंड होल्डिंग और रेगुलर सपोर्ट की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। या वो बोल सकता है कि भाई मैं अपने एक होलसेल व्यापारी के साथ उससे इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो उसके जो सोर्स है ना जिससे वो इंफॉर्मेशन लेता है, वो सोर्स कितने साउंड है, कितने विजडम वाले हैं, ये चेक करने की कोशिश करो उनसे बात करके, डिस्कस करके। एंड अगर आपको लगता है कि उसको मार्केटिंग में 1% बहुत अच्छा गाइड कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट की साइड पे गाइड करने वाला कोई नहीं है, या फाइनेंशियल साइड पे उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो गाइडेंस गैप जो होता है ना वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको फिल करने के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में यू हैव टू राइट योर रिमार्क्स कि भाई पार्टिसिपेंट के पास कोई गोल नहीं है, नो गोल्स, डायरेक्शन लेस लगता है। आप लिख सकते हो कि भाई एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है, कंप्लेनिंग मोड पे ज्यादा है, एक्स वाई जेड, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा, इससे आपको पार्टिसिपेंट का एक फेयर आइडिया आएगा। फाइन, सो नाउ ये फॉर्म आपको भरना है, सेशन के बाद आप ये फॉर्म भरोगे। इस फॉर्म को भरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज हमें उनका एक शॉर्ट एनालिसिस प्रिपेयर करना है। हम लोग आज नहीं कर रहे, आई एम जस्ट आपको खाली एक बोल दूं कि भाई नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो हम इसी पे बात कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर डेटा कलेक्शन इट विल बी स्वॉट एनालिसिस। सो ये फॉर्म पर से ही आपके पार्टिसिपेंट का स्वॉट, उसकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसके धंधे के रिस्क क्या है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन इज अबाउट स्वॉट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस बेसिक्स। अगर आप ये फॉर्म अच्छे से भर लो, स्वॉट एनालिसिस अगर ढंग से कर लो और आपके बिजनेस बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आपके पास जरूरी सारे हथियार होंगे पार्टिसिपेंट से अच्छे से 15 महीने उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको गाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्वॉट एंड बिजनेस बेसिक्स। फाइन, सो दिस इज द कंटेंट दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे। नाउ इट्स अबाउट योर क्वेश्चंस। नाउ आप मुझे क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वेरी सिंपल। हाउ डू यू फाइंड दिस फॉर्म एंड व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन इट? आप इसको कंफर्टेबली भर पाओगे? हाउ डू यू फाइंड इट एंड विल दिस हेल्प यू? फॉर्म इज गुड, रफीक, थैंक यू। थैंक यू फिरोज भाई, रेहाना, थैंक यू। ये आपको पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ऑनेस्टली। एंड जब हम दूसरों के बिजनेस का एनालिसिस करते हैं या स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो खुद का भी करना हमको आ जाएगा अपने आप।
It will take make I will make it in Google form for more analytical access. Karim Zaja says, okay, thank you, Karim Bhai. I think that's a good help. People in many businesses like beautician or beauty parlor may not have data of previous year sales. अगर नहीं है तो भी हमें पता चलता है कि ये लोग कोई डेटा मेंटेन करते नहीं है, तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस में वीकनेस में आएगा. तो नहीं है तो भी चलेगा. यस, एजाज पार्टिसिपेंट कॉपरेट करेगा, और नहीं करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उनसे कॉपरेशन निकलवा. डोंट वरी अबाउट इट. इनफैक्ट हमारे सेशंस में भी हम इस पर बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्टली एमवीएम की सेशंस में. इफ दे डोंट गिव सेल्स प्रॉफिट यू कैन आस्क परचेजिंग एंड मार्जिन टू डू रिवर्स कैलकुलेशन. ऑफ कोर्स यस, दैट्स एन आइडिया. थैंक्स सुहिल. Good inputs we get it from detailed information collection. Great. What if they don't disclose their financials? Yes, Rafiq bhai, there are every chances. तो आप remark में लिख सकते हो कि ये बंदा open नहीं है, data share नहीं करता है, अभी उसको हम पे पूरा trust नहीं है. तो आपके team leader remark में आप खाली वो चीज डाल दें, ठीक है? And you can discuss those cases with us also. Okay. Sir, किसका business franchise है और franchise company operate है तो advertising and other plans नहीं कर सकता. तो यूज क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए फॉर बिजनेस डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स ये आपके एमवीएमपी सेशंस में ये सारी चीजें आने वाली है. एंड बिजनेस स्पॉट नॉट गुड, यस, ये आप पार्टिसिपेंट से मिलो, पहले फॉर्म भरो. फॉर्म भरोगे ना, आपके पास इतना कुछ होगा मेरे साथ डिस्कस करने के लिए. ये जो मैं एवरी मंथ आपके साथ बैठने वाला हूँ ना, मैं हर बार सेशन नहीं लेने वाला. फर्स्ट में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, आज मैंने फॉर्म और प्रोसेस के बारे में बात की, नेक्स्ट में स्वॉट एनालिसिस एंड बिजनेस बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, एंड हाउ टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर योर पार्टिसिपेंट. इतना करने के बाद मैं सिर्फ आपसे आपके पार्टिसिपेंट के बिजनेस के इश्यूज ही डिस्कस करने वाला हूँ. आप उनकी जो क्वेरी सॉल्व करना चाहते हो उस पर डिस्कस करने वाले. एग्जैक्टली अभी द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट इज पहले खुद अपने बिजनेस के लिए फॉर्म भरो. यस रेहाना, आई अंडरस्टैंड, आपने क्वेश्चन पूछा उससे मुझे समझ में आ गया. वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी. आप सबका बिजनेस बढ़े वो मेरा कोर एरिया है, और पार्टिसिपेंट का बिजनेस बढ़े वो आपका. वी विल डिस्कस डेफिनेटली. फाइन, सो हाउ डू यू फाइंड टू दिस सेशन इन वन वर्ड इफ यू वांट टू डिस्क्राइब क्विकली बिफोर वी वाइंड अप. थैंक यू अजाज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स सच यूजफुल एंड चांसेस ऑफ सक्सेस. ग्रेट फिरोज, यस, आई ओपनिंग, एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट. थैंक यू करीम भाई, यू आर ऑलवेज मोटिवेटिंग. ग्रेट. So thanks a lot. I think yes, Rehana says meaningful. Salma says excellent, great, great. Fine. So thanks a lot, everyone. I think you have enjoyed. If you have any other question, please get back to me. I'll be happy to reply to those questions. Imamate Mubarak, and have excellent experience with your customer, with your participants for form filling and starting the interaction with them. Thanks a lot. Yali Mudra to all. Thank you so much, Aslam sir, for spending your time and joining this session and giving us a lot of information about things. Before we end, कुछ important announcements हैं जो आपके साथ share करना चाहती हूँ. आप सब team leaders से एक request है कि आप अपनी respective teams जो आपको देने में आई हैं उनके साथ एक WhatsApp group बना लें ताकि आप उन्हें सारी updates दे सकें. आप सबसे ये request है कि आपके जो regional team leader WhatsApp groups है, अगर आप उसमें एडेड नहीं हो तो आप प्लीज़ अपने रीजनल या लोकल बोर्ड मेंबर से कांटेक्ट करें और उनसे बोले कि वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दे ताकि आप हर चीज़ की अपडेट ले सकें. हमारे एमवीएमपी सेशंस यूट्यूब पर, जो स्माइली इंडिया का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर पोस्ट किए जाएंगे. सेशन वन की वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर पोस्टेड है, और जो पार्टिसिपेंट्स ने वो सेशन मिस कर दिया है वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. ऑल्सो ये वीडियोज स्माइली इंडिया के वेब पेज पर भी अवेलेबल है, तो जिन्होंने वो सेशन मिस किया है वो उस वीडियोज को देख सकते हैं वहाँ जाकर. लिंक्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए गए हैं. कुछ रिवॉर्ड जैसे डिसाइड किए गए हैं जो आपकी टीम, आप टीम लीडर्स और आपकी टीम मेंबर्स को भी दिए जाएंगे. ये रिवॉर्ड्स के बारे में हमने फर्स्ट टीम लीडर सेशन में भी डिस्कस किया था. सो इट इज़ जस्ट अगेन अ काइंड ऑफ रिमाइंडर. ये जो है आपके रिवॉर्ड्स होंगे, टीम लीडर्स के लिए अलग है और पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग है. जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस मोड, इस टॉपिक पर, जो होगा 18 जुलाई 2021 को. ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप टीम लीडर्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उन
अपने टीम मेंबर्स को इस सेशन अटेंड करने के लिए मोटिवेट करें और उन्हें कहें कि ये सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। जो सेशन होगा पार्टिसिपेंट्स का वो सुबह 10:30 बजे रखा गया है। ऑल्सो आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट सेशंस होंगे वो अब से सुबह 10:30 बजे होंगे। हमारे पार्टिसिपेंट सेशंस पहले हुआ करते थे शाम को 4:30 बजे, तो वो टाइम हमने अब चेंज किया है और वो टाइम हो गया है सुबह 10:30 बजे का। सो प्लीज़ आप सब टीम लीडर्स इस अपडेट को अब ध्यान में रखें और आगे के सेशंस टाइमिंग के हिसाब से फिर अटेंड करें। So yeah, that's all from my side. Once again, wishing you all a very happy Imamat Day.